हेलो एंड वेलकम टू चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। हम लोग कल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हाँ, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सभी अर्थों को सिद्ध कर दिया तो नाम पड़ गया सिद्धार्थ। शुद्धोधन ने अपने बेटे का नाम रखा सिद्धार्थ। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और ऐसा किस पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है? तो हम पढ़ चुके थे कि ऐसा रुमेन्द्रीय पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, ये मैं कहानी लेक्चर वन जो पार्ट वन है बुद्ध का वह मैं सुना चुका हूँ। ठीक, जल्दी से क्विक रिविजन मारते हैं। मैंने बताया था कि सिद्धार्थ का मतलब बौद्ध धर्म क्यों आया भारत में, जैन धर्म भारत में क्यों आया, तो उसका कारण था उच्च वर्ण का निम्न वर्ण को परेशान करना, बलि की बात करना, व्यवसाय में दिक्कतें थी वैश्य लोगों को इसलिए, और छुआछूत का कारण, साथ ही साथ ब्राह्मण संस्कृत भाषा का प्रयोग अन्य वर्ण को मतलब निम्न वर्ण को नहीं करने दे रहे थे। तो ये एक ऐसा धर्म था जो अपनी भाषा, जो उसकी भाषा है, दैनिक जीवन की भाषा है, जो पाली भाषा है, उसका प्रयोग वो और अन्य लोगों को करने दे रहे थे। इस कारण से इस धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि महामाया को स्वप्न हुआ, उस स्वप्न में सफेद हाथी कमल का फूल लिए उनके गर्भ में चला गया। तो मैंने तुमको बताया था कि कमल एक सिंबल है उनके जन्म का। ठीक, साथ ही साथ ये भी आता है कभी कभी, बताइए उनके जन्म का सिंबल क्या है। तो ध्यान रखना, लोटस तो है ही, साथ साथ बुल भी सिंबल है, सांड भी सिंबल है इनके जन्म का। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि सिद्धार्थ को महल से बाहर जाना था, महल से बाहर गए, चार दृश्य दिखाई दिए, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु दिखाई दिया। तो बाद में लौटकर सिद्धार्थ घर आए और पिताजी ने देखा कि सिद्धार्थ तो कुछ ज्यादा ही वैसी बात विचार जो है वो साधु टाइप के हैं। तो 16 की उम्र में सिद्धार्थ की शादी कर दी गई यशोधरा से। यशोधरा के और सिद्धार्थ के साथ एक संतान पैदा हुई 8 के बाद, उनके शादी के 8 के बाद। बच्चे का नाम क्या रखा? राहुल। बोले कि ये तो मेरे जीवन में राहु ग्रह की भांति है, तो नाम रख दिया राहुल। यहां तक मैं बता चुका था। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था कि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे नीलांजना नदी के किनारे, जिसे हम लोग अब फल्गु नदी कहते हैं, उसके किनारे बुद्ध मतलब सिद्धार्थ को प्राप्ति हुई है संबोधि की। तो बुद्धि प्राप्त करने के कारण उनको बोला गया बुद्ध। तो पहले थे सिद्धार्थ, फिर हुए सिद्धार्थ गौतम, अब हो चुके हैं बुद्ध। ठीक है, यहां से बुद्ध हो गए हैं, यहां से पहुंचे हैं सबसे पहले वाराणसी, जहां पर उन्होंने अपना बनारस, वहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। और इस पहले उपदेश देने की घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संबोधि की प्राप्ति जो घटना है, संबोधि एनलाइटनमेंट, संबोधि की प्राप्ति एनलाइटनमेंट जो इनके जीवन की घटना है, उसका प्रतीक है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। और यह भी याद रखिएगा कि गौड़ शासक शशांक ने इस बोधि वृक्ष को जलाने की चेष्टा की थी। वो महादेव का अनुयायी था गौड़ शासक शशांक, तो उसने इसको जला दिया, बोधि वृक्ष को जलाया था। तो याद रखिएगा, गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को जलाया था। ठीक है, सारनाथ पहुंचे हैं और सारनाथ में वाराणसी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। तो उन्होंने बुद्ध का ये कहना है, सिद्धार्थ का ये कहना है कि चार आर्य सत्य होते हैं, चार फंडामेंटल ट्रुथ है जीवन के, चार आर्य सत्य हैं। कौन से चार आर्य सत्य हैं? पहला सत्य है, पहला ट्रुथ है दुख, सर्वम दुखम, हर जगह दुख व्याप्त है, सोरो इज एवरीवेयर। इनका दूसरा जो सत्य था जो उन्होंने बोला, वो बोला दुख समुदाय, दुख का कारण है समुदाय, का मतलब कोई ना कोई कारण है, और वो कारण क्या है? हमारी डिजायर, हमारी तृष्णा। इसके बाद बोले दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है, उसको निरोध का मतलब उसको दुख को रोका जा सकता है। लोगों ने पूछा कैसे रोकेंगे, तो बोले दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा का मतलब एक पद, एक रास्ता है इस दुख को रोकने का। तो लोगों ने बोला कि उस दुख को रोकने का रास्ता क्या है? तो सिद्धार्थ गौतम या फिर बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने बोला कि इस दुख को रोकने का रास्ता है, क्या रास्ता दुख को रोकने का? आष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान रखिए बौद्ध धर्म से। तो लोगों ने पूछा क्या है आष्टांगिक मार्ग? तो देखो आष्टांगिक मतलब 8 रास्ते हैं जिनसे होके आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको दुख से छुटकारा मिल पाएगा। तो ये 8 मार्ग किसी को याद नहीं रहते। हाँ, 2-4 याद रखिए, कौन कौन से? नंबर 1 राइट एक्शन, सही कर्म करिए। नंबर 2 राइट व्यू, सही विचार होने चाहिए आपके।
नंबर थ्री राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सही जीवन यापन होना चाहिए, काट रहे हैं सब कुछ खा रहे हैं। नंबर फोर अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस, आपकी जागरूकता एकदम सही होनी चाहिए, राइट एजुकेशन, सही शिक्षा ग्रहण करिए आप। तो इस तरह के आस्थानिक मांग में मैंने तीन चार बता दिए हैं। इन कहा क्या है? आप इन मांगों का भाई राइट व्यू, अगर आपके विचार सही होंगे तो वास्तविकता है कि आपको दुख की प्राप्ति नहीं होने वाली, अगर आपके कर्म सही हैं तो फिर आपको दुख की प्राप्ति क्यों होगी, अगर आपका राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है तो आपको दुख की प्राप्ति क्यों होगी, अगर आपके अवेयरनेस आप जागरूक हैं कि हाँ आज मेरे साथ भविष्य में वर्तमान में ये हो रहा है और आप उसको समझ रहे तो आप दुखी क्यों होंगे। तो ये मार्ग बताए हैं बुद्ध ने, जिसे बोला गया आस्थानिक मार्ग। अगर आप इन रास्तों से जाएंगे तो आप दुख से मुक्ति पा लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, दुख हर जगह, सब्बम दुखम, ये चार आर्य सत्य, पहला सब्बम दुखम दुख, दूसरा दुख समुदाय दुख का कारण मतलब तृष्णा आपकी डिजायर, तीसरा दुख निरोध दुख को रोका जा सकता है, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब एक पद एक रास्ता है दुख को रोकने का और वो रास्ता है आस्थानिक मार्ग। यहां तक समझ है, क्लियर एकदम, चले आगे। तो देखिए फाइनली ये प्रवचन दे रहे हैं, लगातार बुद्ध चल रहे हैं, रुक रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो एक चीज याद रखिए कि ये जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ये दोनों धर्म के लोग, दोनों धर्म के अनुयायी, या दोनों धर्म के जो बुद्ध या महावीर जैन है, या जो दोनों धर्म के जो अनुयायी भी होंगे, वो जनरली वर्षा ऋतु के दौरान जब रेनी सीजन होगा तब अपने उपदेश नहीं देंगे, प्रीच नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, पूछ ले कि बताइए बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस ऋतु के दौरान अपने प्रवचन या प्रीच नहीं करते, तो ध्यान रखिए रेनी सीजन वर्षा ऋतु के दौरान ये प्रवचन नहीं करते हैं, उस वक्त कुछ करते हैं। ये हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि उपोषण की प्रक्रिया क्या है, अपने अपनी गलती मानना, ये सब हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे। तब हम अभय मुद्रा भी देखेंगे, बुद्ध की कौन कौन सी मुद्राएं थी उनको, आर्किटेक्चर भी थोड़ा बहुत उनका टच करेंगे थर्ड पार्ट में, अभी नहीं, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फाइनली बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं और अंतिम अपने अंतिम पड़ाव पर है, मृत्यु होने वाली है बुद्ध की, और मृत्यु होगी तो किस स्थान पर होगी जाके, तो स्थान का नाम है कुशीनारा। कहा कि ये राजधानी है कुशीनगर, कुशीनारा वर्तमान में देवरिया। तो ये कुशीनारा जो ये जगह है, ये मल्ल गणराज्य की, मल्लो मल्ल गणराज्य की राजधानी है, या मैं ऐसे कह दूं कि अंतिम रूप में ये पहुंचे हैं पावा, जो कि मल्लो की मल्ल गणराज्य की राजधानी है। उस पावा में ये चुंड इनका एक शिष्य है, उस चुंड के द्वारा दिए हुए मांस जिसे कहते हैं सूकर मद्दव, सूअर का मांस खाने से इनके पेट में दर्द होगा, फाइनली इनको बहुत तीव्र गति से पेन होगा और इनकी मृत्यु चुंड के यहाँ पर ना हो जाए। अगर चुंड के यहाँ पर होगी तो लोग चुंड को मार देंगे, आपने हमारे महात्मा को मार दिया, तो ये वहां से भाग जाएंगे, वहां से शिष्य का घर छोड़ेंगे, पहुंचेंगे कुशीनगर, मतलब पावा छोड़ेंगे, पहुंचेंगे कुशीनारा या कुशीनगर, जहां पर ये अपना सुभद्र जो इनका अंतिम शिष्य है उसको उपदेश देंगे और उसके उपरांत ये अपना शरीर त्याग देंगे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई है, ये है 483 BC और इनकी उम्र है 80 साल, ठीक है। तो यहां तक हम एकदम पहुंच चुके हैं, बुद्ध का हमने जन्म से स्टार्ट किया था पहले पार्ट से, मृत्यु तक हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया, तो याद रखिएगा सुभद्र, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं, इनकी इनके अगर साहित्य की बात करें तो इनके साहित्यों का संकलन किया गया है, कहां पर संकलन किया गया, पिटक। तो सुना नहीं हम लोगों ने कि त्रिपिटक का सिद्धांत, त्रिपिटक किसमें है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म में है, ठीक है। कौन से त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है पेटी, पेटी का मतलब, पेटी मतलब बॉक्स, उस पेटी में ताड़ के पत्रों पर, ताड़ के पत्र मतलब पीपल के बड़े बड़े पत्रों पर संकलित लिखकर उन पेटियों के अंदर बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के नियमों को और बुद्ध के दर्शन को उन पेटियों में बंद कर दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिपिटक। तीन पेटियां हैं, ऐसी तीन पेटियां हैं जिनमें ताड़ के पत्रों में लिखकर संकलित किए गए चीजों को। पहली पेटी का नाम है सुत्त पिटक, सुत्त नाम की पेटी। इस बॉक्स में क्या लिखा है, इस बॉक्स के अंदर ताड़ के पत्रों पर बुद्ध के सर्वमान्य उपदेश लिखे हुए हैं, ठीक। दूसरी पेटी का नाम है विनय पिटक, विनय नाम की पेटी में क्या लिखा है, ताड़ के पत्रों पर वह नियम लिखे गए हैं उस विनय पिटक में, जिनको भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं को फॉलो करना चाहिए। और तीसरी पेटी का नाम है अभिधम्म पिटक, जिसमें क्या, इस पेटी में क्या लिखा है, इस पेटी में बुद्ध का दर्शन लिखा है, और बुद्ध का दर्शन क्या है, बुद्ध का दर्शन है मिडिल पाथ थ्योरी, मध्यम मार्ग ही अंतिम मतलब रास्ता है, जिसके द्वारा आपको दुख से मुक्ति कुछ हद तक मिल सकती है, ब्लिस की प्राप्ति हो सकती है, ठीक। याद रखिएगा मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसका है, बुद्ध का है। अगर मैं यही तो पूछूं स्यादवाद का सिद्धांत किसका है, याद रखिएगा स्यादवाद शायद वह बात है भी और शायद वह बात नहीं भी है, तो ये स्यादवाद का सिद्धांत है महावीर जैन का। बात करेंगे जैन धर्म भी पढ़ेंगे इसके बाद, तब देखेंगे। अभी तो हम बुद्ध के कारण, बुद्ध का जन्म अभी जन्म तिथि मनाएंगे इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग कहां से, हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त, हम लोगों ने सुत्त पिटक देख लिया, विनय पिटक देख लिया, अभिधम्म पिटक देख लिया। और ध्यान रखिएगा जो इनका लिटरेचर साहित्य है वो जनरली पाली भाषा में है। एक चीज याद रखिएगा, मिनांडर जिसे मिलिंद राजा कहते थे, भारतीय मिलिंद कहते थे लेकिन वो ग्रीक रहा था, उसका नाम मिनांडर था। तो ये मिनांडर जब भारत आया था तो इसका नागसेन के साथ उपदेश मतलब बातें वार्तालाप हुआ, तो फाइनली नागसेन और मिलिंद के बीच के वार्तालाप का जो संकलन है उसको एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पानू। मिलिंद पानू का मतलब, मिलिंद का मतलब मिलिंद राजा जिसे मिनांडर कहा गया, और पानू का मतलब होता है उसके प्रश्न। तो मिलिंद के प्रश्न है मिलिंद पानू, जिसमें नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु है और मिलिंद राजा मिनांडर के संवाद को लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा मिलिंद पानू का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। मिलिंद पानू में किनके मध्य संवाद हुआ, तो ध्यान रखिए किनके मध्य संवाद हुआ, मिनांडर या मिलिंद और नागसेन के मध्य। पूछ लेगा बताइए मिलिंद पानू में मिलिंद कौन था, तो ग्रीक राजा था। नागसेन कौन था, बुद्ध धर्म का अनुयायी, बुद्ध का भिक्षु था। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, हम लोग ये कवर करते हुए पूरा यहां तक पहुंच चुके हैं, ये कवर हो चुका है। अब अंतिम चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, अंतिम चीज हम पढ़ने जा रहे हैं हम, तो ये अंतिम चीज क्या है, अंतिम चीज हम पढ़ने वाले हैं हम काउंसिल, बुद्ध की समितियां। चार समितियां हुई बुद्ध की, तो मैं ये यहां पर एक शॉर्ट टेक देके छोड़ रहा हूं आपको, वो आप देखते रहिए, बाद में पकड़ाऊंगा आपको फोर्थ थर्ड लेक्चर में। शॉर्ट ट्रिक है राम वाली पीली कोठी, पैर बहुत ही गंदा चल रहा है, शॉर्ट ट्रिक है राम वाली पीली कोठी। अब इस शॉर्ट ट्रिक को मैं अगले पार्ट थ्री में आपके बताऊंगा, आपको एक भी समिति जो काउंसिल उसको रटना बिल्कुल नहीं है। चार बार मेरे साथ बोलेंगे वीडियो में, पांचवी बार मैं गारंटी देता हूं कोई भी समिति जो काउंसिल हुई है बुद्ध की उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो चुकी होंगी। तो इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे तभी अच्छा लगेगा जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो ये था बुद्ध का पार्ट नंबर 2, अब कल आएगा पार्ट नंबर 3। जय हिंद, जय भारत।